तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सीके बाइकर में। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, वो होने वाला है हमारा डिस्क पैड चेंज के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुँचे। मैं इसी तरह के ब्लॉग बनाते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क पैड चेंज करने के लिए दोस्तों, हमें इस बकेट को खोलना पड़ेगा। इस बकेट को खोलने के लिए हमें 12 नंबर का टी रिंच लगेगा, तो उसकी मदद से हम लोग इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो कैलिपर है ये पूरा खुल चुका है। और इसे हम लोग डिस्क पैड निकालने के लिए इसको हम खोलना पड़ेगा। तो इसे हम लोग एलकी की मदद से इसे खोल लेंगे दोस्तों, ताकि हमारा डिस्क पैड जो है वो बाहर आ जाए। तो ये देखिए, ये बाहर निकल गया। और ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि हमारा जो डिस्क पैड है वो ख़राब हो चुका है। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बजाज का जेन्युइन पार्ट्स है। और इसकी प्राइस अगर की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग, 158 रुपये इसे प्राइस लिखी हुई है। ये पल्सर 150 की है दोस्तों, मैं इसे एवेंजर में लगवा रहा हूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो एडजस्ट हो जाती है इसमें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का सेम ही है तो इसमें लग जाएगी। तो ये देखिए, ये जो नया डिस्क पैड है और ये जो पुराना डिस्क पैड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि दोनों के मुकाबले ये दोनों को देख सकते हैं, ये जो हमारा पुराना है कितना घिस चुका है और ये नया। तो चलिए इसे चेंज करते हैं दोस्तों। तो इसे हम लोग यहाँ पे अच्छे से फिट कर लेंगे, ये दोनों को अच्छे से फिट कर लेना है दोस्तों। और फिर हमें इस एलकी की मदद से टाइट कर लेनी है, थोड़ा सा गैप एडजस्ट कर लेना है और इसे हम लोगों को यहाँ से टाइट कर लेना है। बस इजी है दोस्तों डिस्क पैड चेंज करना। तो आप लोग चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं या मैकेनिक से करवा सकते हैं। घर पे चेंज करेंगे तो मैकेनिक चार्ज आपका बच जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे फिट हो गई, ये अब इसे हम लोग टाइट कर लेंगे दोस्तों। तो डिस्क पैड तो हमारा चेंज हो गया दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एयर बनी है या नहीं, क्योंकि अगर एयर बनी होगी तो हमारी बाइक को दिक्कत हो सकता है ब्रेक लगने में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी ऑयल निकली है, यानी कि एयर बनी हुई थी, बट कोई दिक्कत नहीं, अब ये फ्री हो जाएगी। ये जो टायर है ये फ्री हो गई है, हाँ, तो ये परफेक्ट हो गई दोस्तों। अब तो हम लोग इसे वापस अब टाइट कर लेंगे। तो हमारा डिस्क पैड चेंज हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।